ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बात जिसे अगर आप फॉलो करती हैं तो आपका घर पैसों से भर जाएगा। आज का जो यह एपिसोड है वो विशेष रूप से गृहिणियों के लिए है, जो हाउसवाइफ है, जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें बेटियां, उनके लिए आज का यह एपिसोड विशेष रूप से होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं उन माताओं के लिए बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो चाहती हैं कि उनका घर हमेशा पैसों से भरा रहे। अगर आप भी चाहती हैं आपके घर में कभी पैसे की कोई कमी ना हो तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मेरी सभी दर्शकों को राम राम। हमारे पास बहुत सारे हमारे भक्तों के और हमारी जो माताएं हैं बहनें हैं उनके प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, घर में पैसा हमेशा टिका रहे इसके लिए आप उपाय हमें बताते रहा करें। तो अब जो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे फॉलो करती हैं तो आपका घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा। अक्सर जब हम अपनी रसोई में भोजन बनाते हैं उस समय हमारी रसोई में सबसे ज्यादा पवित्रता, सबसे ज्यादा शुद्धि का ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि जितना साफ सफाई से, जितना शुद्धि से, पवित्रता से भोजन बनता है उतना ही वह भोजन आपके लिए पौष्टिक होगा, उत्तना ही वह आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जब भी जो महिलाएं हैं, जब भी वो घर में सुबह के टाइम रोटी बनाएं या जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, सुबह जब पहली बार तवे को गैस पर रखती हैं और रोटी बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी जो बनेगी, ध्यान से सुन लीजिए, गलती नहीं करनी है, सबसे पहली जो रोटी बनेगी उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का निकालकर, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़कर जो अग्नि जल रही है, जो गैस जल रहा है उस पे आप डाल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले अन्न पर, सबसे पहले भोजन पर अगर किसी का अधिकार होता है वह अग्नि देवता का होता है। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण कहीं पर हवन करवाते हैं तो जब कोई भंडारा चलता है तो सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है वो अग्नि में ही लगाया जाता है। इसी तरह से घर पर भी आप ये काम जरूर करें। सुबह का जो रोटी बनती है सबसे पहली रोटी में से थोड़ी सी रोटी निकालकर उस अग्नि पर आपने वह रोटी रख देनी है। ऐसा करने से जो है जो अग्नि देव है वो प्रसन्न होते हैं और जो भोजन आप बना रहे हैं उसमें अग्नि देवता की कृपा बनेगी, अन्नपूर्णा माता का पूरा आशीर्वाद आपके भोजन के ऊपर रहेगा और जो रोटी आप बना रही हैं यह रोटी आपके आपके पूरे परिवार के लिए पौष्टिक, लाभदायक और हर प्रकार से आपको सुख देने वाली होगी।
अगर आप हर सुबह यह काम करती हैं तो देखते ही देखते लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी और आपके परिवार में जितनी भी समस्याएं चल रही थी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएंगी। देखने में बिल्कुल साधारण आपको बात लगेगी, लेकिन अगर आप इस कार्य को करेंगे तो कुछ ही दिनों में बहुत चमत्कारिक परिणाम आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।